कैसे हैं आप लोग? आज स्कूल में मेरा मतलब पेपर है तो थोड़ा लेट हो गए और अभी जस्ट निकले ही हैं। और आज इसने हाफ पहन रखे, देखो हल्की हल्की ठंड भी होने लग गई है। अब ठंड लगेगी, इससे सुबह सुबह का टाइम ही है। जिंदगी में इसका क्या ही होगा। कीचड़ उछालते हुए जा रहे हैं। भाई स्कूल जल्दी चल, लेट हो रही हूँ मैं। कल मतलब पूरा दिन ही हो गया लगभग, इसने अभी तक पॉटी नहीं करी है। मेरे को लग रहा है कहीं कॉन्स्टिपेशन ना हो गए हुए इसे, क्योंकि ये अगड़म पगड़म खाता रहता है, इधर उधर उठा के ले लेता है मुंह में और खा लेता है, तो कहीं कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो इसके लिए ये दवाई लाया हूँ डुपोलैक। ये मेरे को बताया था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट मेडिसन है, डॉग्स को भी दे सकते हैं, इंसानों को भी मिल सकती है। ज़्यादातर दवाइयाँ सेम ही होती हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ, और इसके वैक्सीनेशन का मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि वैक्सीनेशन मैं इसका एक दो दिन में करा ही लूँगा, बिकॉज ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। टाइम डेट बहुत आगे जा चुकी है, मतलब बहुत पीछे जा चुकी है जिस दिन लगवाना था मुझे, पर क्या कह सकते हैं। और एक और बात है टेंशन की कि रिची का एक कान किसी ने खींच दिया बच्चे ने, कल परसों एक बच्चे ने कान ये खींच दिया था, तो ये कान वापस नीचे गिर चुका है, तो मेरे को वो भी डॉक्टर को दिखाना है कि कहीं ये कान गिरना कहीं मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसके लिए। और दिक्कत की क्या बात है, बस
होता रहता है ये सब चीज़ें, तो पर आपसे अब क्या कह सकते, दिक्कत तो है। और चलिए अब आप गया स्कूल से क्योंकि ऋचि को पोटी कराने चला गया था। सोनम कुछ ले ला के मान जा, रिश्वत विश्वत कुछ नहीं, रिश्वत ले ले, पापा को मत बताइयो, पापा जब रात में आएंगे ना तब रिश्वत देंगे, रिश्वत ले ले कुछ, रिश्वत रिश्वत लेके मान जा मेरी। पापा आएंगे ना रात में तब रिश्वत लेना तुम उनसे। क्या लेगी क्या लेगी बता चल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा पेपर कैसा गया? मैं अकेले आई हूँ, वहाँ पे सब दोस्त चले गए मेरे, मैं अकेले आई हूँ। पापा ये बता कि 75 क्वेश्चन आए थे, सारे अटेम्प्ट कर आई हूँ। पहले तू अपना बता, तू क्यों लेने आया था? कह तो रहा हूँ ऋचि को पोटी कराने चला गया था, फिर साहिल को मैंने ध्यान नहीं दिया। लॉक बंद कर। क्यों? रात में जब पापा तुम्हें मारेंगे ना तब मैं व्लॉग बनाऊंगी, सब देखेंगे, मजा आएगा मुझे भी। कुछ ले ला के मान जा, रिश्वत विश्वत ले ले, रिश्वत विश्वत देने की भरपूर कोशिश चल रही है लेकिन ये रिश्वत ले नहीं रही। पहली बार हुआ यार, काफी टाइम वही पहली बार पापा तेरे को बताएंगे। कहते रहो रिश्वत ले ले, ये मान ही नहीं रही। इतनी देर तक वेट करती रही, पूरा 15 मिनट तक वेट करते रही, पूरा स्कूल खाली हो गया, सबके पेरेंट्स आए उन्हें लेके। अरे रिश्वत ले लेना, कहते रहो भाई 10 रुपए की रिश्वत दे सकता हूँ मैं इसे। पापा देंगे ना, क्या खाएगी? चल चल बता क्या खाए। मुझे नहीं चॉकलेट हाँ चाहिए ना तुम्हारी पिटाई की। रिश्वत ले ले बबू, पापा देंगे रात में रिश्वत, ले ले रिश्वत। आने दो आज मैं उतनी भरी दोपहर में, मैं पैदल चल चल के पटरियों पे आई हूँ। अरे गलती हो गई यार, बस ट्रेन भी खड़ी थी, मैं सोच रही थी ट्रेन के नीचे से जाऊंगी, पर मैंने सोचा ट्रेन चल गई तो ट्रेन के नीचे से सही किया। इतना आगे से चल कर आई, ऊपर से ट्रेन भी आने लगी दूसरे साइड, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अब तू कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रही है। बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही, रियल में आ रही थी। कह तो रहा हूँ कुछ रिश्वत ले ले यार, अगली बार नहीं होगा, कह रहा हूँ ना आज गलती से हो गया। दीवार भी कूदनी पड़ी मेरे को। रिश्वत ले लेना, क्या खाएगी? क्या खाएगी ये तो बता। खुशी खाएगी, खुशी खाएगी। तो आज लगता है पिटने का प्लान पूरा है हमारा, ये साहिल के चक्कर में हुआ है यार। मैं पॉटी कराने चला गया, मेरे पास कौन सा फोन वोन रखा था, वो साहिल खेल कर गया और अभी भागा हुआ है बाहर। उसको तो आने दे, आज तो वो अलग जाएगा, उसकी बात तो अलग ही है, आज तो बहुत कुछ होगा। चलो मैं आगे मिलता हूँ आपसे। पापा ने वैसे भी कह रखा कि वहाँ पे जब पापा तुम्हारी स्कूटी छोड़ के जा रहे हैं तो उसके अंदर कम मैं कह रहा था कि टीवी देख रहा था। अच्छा क्या लेने क्यों नहीं आया? कटलेट अपनी हाथ में रह तू। अच्छा तेरे तो भाई किलो वजन हो गया इसका क्या? अब तो पिटने के काम हुए तेरे से, तो क्या कह सकते हैं। कंबल में ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी काम हो तो इसलिए चुपचाप से अंदर भाग गया। आज इसे भी पता चल चुका क्या टूट रहा है यार। एक कटले तू तू क्या अलग है, अलग है, तू नहीं पिटेगा। ऐसा नहीं कि कोई जरूरी काम हो, फ्री फंड के लिए बस पेट दिख रहा है तेरा। और एक ही हाथ का मोबाइल चला रहे थे इसलिए मैं हरा भी नहीं आया। तो भाई वो सोनम अभी रो पड़ी, वो क्योंकि गिर गई ना तो बाद में रो पड़ी क्योंकि हम लोग हंस पड़े, तो अब उसको वो रो रही है, तो उसके लिए सोच रहा हूँ कुछ ले आता हूँ बीकानेर से, खा लेगी शांत हो जाएगी रिश्वत के तौर पे। तो चलते हैं बीकानेर, और सूरज को उठा लिया रास्ते से, जो पहले व्लॉग में दिखा था सूरज हमारा दोस्त, रास्ते में ही मिल गया। तो चल
बीकानेर आ चुके हैं और उसके लिए ले लेते हैं जल्दी से सामान। तो हमने ले लिया है रसमलाई और अब चलेंगे छोले भटूरे लेते हुए जाएंगे क्योंकि अब साहिल भी कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। तो चलते हैं और छोले भटूरे पैक करवा के फिर सीधा घर। तो घर पहुंच चुका हूँ। बहादुर देखो कैसे देख रहा हूँ। बहादुर देख कैसे रहा है, ऐसा लग रहा है अभी खा जाएगा। तो अंदर चलते हैं। अभी उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए आइटम लाया हूँ एक तुमसे। अब क्या कर सकते हैं, हो जाता है ये तो। अरे यार ये कैमरा इतना गंदा क्यों लग रहा है। तो या ये ले आया मैं इसके लिए, क्या लाया हूँ पता है, क्या लाया बता, अंदाजा लगा। रसमलाई लाया होगा। तो तू नहीं खाएगी? मैं भी खाऊंगी, मैं पापा को जाकर बताऊंगी। मेरा फोन आ रहा है। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे आगे थोड़ी देर में, आपको वो और कुछ भी बताना वो भी बता दूंगा, अभी इसी में आगे घंटे नहीं चलेगा। तो चलिए से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो जो करना है कर दीजिए फटाक से। ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।